बीजेपी का दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जनता की नजर में ये फ्लॉप है। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा जारी है। पिछले 17 अगस्त से ये यात्रा चल रही है। इस संकल्प यात्रा के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा हो रही है। बीजेपी का दावा है कि जिस तरह की भीड़ संकल्प सभा में उमड़ रही है, उसे तो यही लगता है कि कार्यक्रम सफल है। झारखंड सरकार से जनता उब गई है। संकल्प यात्रा जिस उद्देश्य के साथ निकाली गई है, देखिए संकल्प यात्रा इस राज्य से भ्रष्टाचार, अपराध को मुक्त कराने के लिए, और जो 4 साल में जनता को देखने को मिल रहा है उसको बताने के लिए, जनता जिस चीज़ को महसूस कर रही है उसको नज़दीक से जनता के बीच में जा कर के बताने के लिए जो एक प्रतिपक्ष के नाते जो रोल होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी कर रहे हैं। और आप देखें, कहीं भी आप सब मीडिया के लोग उसको कवर कर रहे हैं, अपार भीड़ जुट रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है सुनने के लिए। एक एक विधानसभा में आप सोचिए, एक एक विधानसभा में जो सभाएं हो रहे, हजारों लोग जुट रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगभग आधी मंजिल तय कर चुकी है। उनकी जनसभा सभी विधानसभा क्षेत्र में होनी है। इस सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी झारखंड की हेमंत सरकार पर लगातार हमला बोलते रहे। बीजेपी के दावा को खारिज करते हुए कांग्रेस का कहना है कि जनता ने संकल्प यात्रा को खारिज कर दिया है, ये फ्लॉप है। जी की संकल्प यात्रा से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, बाबूलाल जी की संकल्प यात्रा से एनडीए में घबराहट होगी, क्योंकि जब बाबूलाल जी की संकल्प यात्रा शुरू हुई थी तो राज्य की जनता ने, डुमरी की जनता ने उस संकल्प यात्रा को नकारने का काम किया। डुमरी का उपचुनाव एनडीए हार गई, तो जब वो हार गई, संकल्प यात्रा का कोई फलाफल नहीं मिला बाबूलाल जी को या पूरी भारतीय जनता पार्टी को, तो हम मैं क्यों विचलित हूँ, हम क्यों डरे? डरना होगा तो भाजपा डरे, क्योंकि एक एक करके उनके हर एक नेता को जनता ने नकारने का काम किया है, चाहे हम रघुवर दास जी की बात कर लें या बाबूलाल जी की बात कर लें या दीपक प्रकाश जी की बात कर लें। बहरहाल बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पर सत्ता पक्ष किन कारणों से आरोप लगाता है, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है कि जनसभा में भीड़ से सत्ता पक्ष के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, बीजेपी की संकल्प यात्रा 17 अगस्त से बाबूलाल मरांडी लगातार संकल्प यात्रा पे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब ये यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी अपने दही को जाहिर तौर पर खट्टा नहीं बोलेगी। उनका कहना है कि ये यात्रा पूरी तरीके से सफल है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस यात्रा को फ्लॉप करार दिया है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का झारखंड प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनते ही वो पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, और संकल्प यात्रा की शुरुआत जो संथाल परगना के भोगनाडी से शुरू किया, 5 चरण में विभिन्न प्रमंडलों का दौरा किया, लेकिन उनका जो दौरा रहा वो खास तौर पर वो राज्य सरकार को टारगेट में रखा, जहाँ भी सभा को संबोधित किया वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को टारगेट किया, और उस दर जो सभा को संबोधित करते हुए जो राज्य सरकार पर और खासतौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप जो है वो लगाते हुए दिखे, हर मंच पर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो टारगेट करते हुए दिखे, तो लगातार इसको लेकर के जो प्रमंडल स्तर पे राज्य के कई जो जिला है वहाँ पे उन्होंने दौरा किया। अब 5 चरण का जो है वो संकल्प यात्रा समाप्त हो गई है, 6ठा चरण का जो संकल्प यात्रा है उसकी शुरुआत होगी आने वाले दिनों में, तो लगातार वो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे राज्य के विभिन्न प्रमंडल विभिन्न जिलों में वो भ्रमण कर रहे हैं और जनता से सीधे कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, जनता को तमाम चीज़ों से अवगत करा रहे हैं कि राज्य सरकार जो मौजूदा समय में इतने लंबे समय से चल रही है तो उनकी क्या कुछ कार्यशैली है, कितने वादे को वो उन्होंने पूरा किया है नहीं किया है, और जिस तरह से हेमंत सोरेन अभी फिलहाल ईडी के रडार पर हैं और कई तरह के जो आरोप है, खास तौर पे जमीन घोटाला हो, फिर अवैध खनन का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो जनता के बीच वो जा रहे हैं और जनता को ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं झारखंड बीजेपी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी के जो संकल्प यात्रा है इससे काफ़ी लाभ जो है झारखंड बीजेपी को मिलने जा रहा है,
और यह संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी के लिए भी खास तौर पे अहम है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो लगातार बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में वो काम कर रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगा रही है कि इससे बीजेपी को किसी भी तरह का कोई फायदा होने में जाने नहीं रहा है। चूंकि बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी से अलग हुए थे और फिर जेवीएम पार्टी का गठन किया था, और जेवीएम पार्टी में वो कई बार जो है केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो कहीं ना कहीं जनता से इंटरेक्ट नहीं हुए थे, तो वो जनता से इंटरेक्ट होकर के कहीं ना कहीं वो अपना छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में वो अभी है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है, लेकिन आने वाला जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होना है उसमें ही रिजल्ट पता चलेगा कि बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा का क्या कुछ जो है वो रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है झारखंड में, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। क्योंकि अभी त्यौहार का सीजन है, त्यौहार का सीजन जैसे ही खत्म होगा लोकसभा का चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो तमाम दल बना भी रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो और ज़्यादा सिर चढ़कर बोलेगा और देखने को मिलेगा। कांग्रेस जिस तरह से इस बात को लेकर के लगातार यह बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के को इससे कोई किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होना है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल मरांडी अपनी मौजूदगी राजनीति में बताने की कोशिश जो है वो जनता के बीच जा कर के कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा और विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा उसी में पता चलेगा कि बाबूलाल मरांडी का यह संकल्प यात्रा कितना सक्सेसफुल रहा, जनता को बताने में वो कितना कारगर साबित हुए, और वो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। राजा बिल्कुल दीपक, अब देखना यह है कि जो जनता है उनके मन मिजाज को टटोलना बेहद जरूरी है, लेकिन उनका मन और मिजाज कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए जो वादे और दावे किए जाते हैं उन्हें पूरा करना भी जरूरी होता है, ताकि चुनाव में जब वोट की अपील की जाए तो लोगों का विश्वास जगे और लोग अपनी वोट कास्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।